है सोनी एरिक्सन। आप देखिए जी, पीसीबी में चार्जिंग कनेक्टर बदलना है, लेकिन उस चार्जिंग कनेक्टर की पिनें सारी उखड़ गई हैं। तो किस तरीके से हम इसको बदलेंगे, किस तरीके से रिपेयर करेंगे जी हम, क्योंकि इसमें सारी ट्रैकें काम की होती है। अगर आपने प्लस और माइनस लगा दिया तो चार्जिंग शो नहीं करेगा, अगर प्लस के बगल से वाली लगा दिया तो चार्जिंग शो करेगा पर बैटरी नहीं भरेगी, मतलब और प्लस के बगल उसके और तीसरी नंबर की पिन को जोड़ेंगे तब जाके प्रॉपर चार्जिंग होगी। तो कहने वाली बात ये है कि आपको पूरी पिन इसको सोल्ड करना है। तो किस तरीके से आज हम सोल्ड करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे इस ऐसे कनेक्टरों को, तो वो हम आज देखेंगे। आप इसको हीट मार के निकाल लीजिए। हीट मार के निकाल लीजिए। अब इसको आप चाहो तो साफ कर लीजिए। अब यहाँ से ट्रैक हमको बनानी है, तो किस तरीके से बनाएंगे, हम प्रॉपर कनेक्टर लेंगे और इसी तरीके से बनाएंगे। हम जब कनेक्टर लगाएंगे तो ट्रैकें हम सेम बोर्ड से चेक करेंगे, तो पहले नंबर की जो प्लस सीधा है वो तो हैगा हमारे पास, दूसरे नंबर की ट्रैक जा रही है जी वाले पार्ट से और तीसरे नंबर की जा रही है जी वाले पार्ट से, चौथे खाली होती है, पांचवे नंबर को हम कर देंगे ग्राउंड। तो इसी तरीके से पांचों ट्रैक हमारी बन जाएगी। तो हमने नया कनेक्टर लिया, नया कनेक्टर लेने पर आप उसको लगा दीजिए पहले। ये पूरे तरीके से हमारा बाहर आ गया अच्छी तरीके से। इस तरीके से अब आप चाहें तो फ्लक्स लगा के और मजबूत कर सकते हैं आप इसके पिनों को। इस तरीके से अब आप देख लीजिए, प्लस सिरा हमारा यहीं सोल्ड हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा सोल्ड, और एस और टी के लिए सप्लाई जोड़नी पड़ेगी। इसको सोल्ड कर दीजिए पतले कड़िए से। हमने इधर सोल्ड कर दिया और ग्राउंड इधर ले लिया, हमने ग्राउंड इधर सोल्ड कर दिए। अब देखिए, आप चेक कीजिए प्लस पे पॉइंट पे रीडिंग आ रहा होगा। ये रीडिंग आ रही है प्लस पे और माइनस ग्राउंड, को भी अच्छी तरीके से हम सोल्ड करेंगे। ये हमारा प्लस सिरा लग गया है। अब आप उस पर सप्लाई दे दीजिए, उसके लिए आप कॉपर वाल्व का इस्तेमाल करेंगे। कार्बन हटा लीजिए, और उसके बाद इस पे लिया आपने और यहाँ पर लगा दिया। उससे पहले आप इसको काट दीजिए। इसके कार्बन हटाने के बाद
इसमें सोल्ड कर लेंगे आप। ये हमने सोल्ड कर दिया, किसी तरीके से दूसरा वाला पॉइंट भी ऐसे ही होगा। आप इसको कार्बन हटाइए, पहले कार्बन हटाने के बाद सोल्ड कर दीजिए इसमें। अब इसको लगा रहे थे तब बगल वाला पॉइंट फट गया है, तो इसको भी दोबारा सोल्ड कर दीजिए। और इसी तरीके से इसको भी काट दीजिए। इसको भी थोड़ा कार्बन हटा दीजिए इसका। हटाने के बाद आप फिर इसको इसको सोल्ड कर दीजिए। अब देखिए, आपने प्लस वाला यहीं से सोल्ड कर दिया, प्लस के बगल वाले आपने जंपर मार दिया, और तीसरे नंबर वाला भी जंपर मार दिया, और चौथा खाली होता है, पांचवें नंबर ग्राउंड होता है। तो इस पोजीशन में आप कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें तीनों पे रीडिंग आनी चाहिए, पहले जी वाली ग्राउंड है, जी खाली है, इस पर रीडिंग आनी चाहिए आ रही है, इस पर रीडिंग आनी चाहिए आ रही है, और इस पर रीडिंग आनी चाहिए जो कि प्लस पर आई रही है। अब इसको आप तरीके से पैक कर दीजिए इस तरीके से। जेक होता है, जेक लगा दिया हमने, और इस तरीके से आप लगाया, और उसके बाद जेक आपके डिस्प्ले का लगा दिया, और जी वाला जेक आपको जैसे दबाएंगे अपने आप लग जाएगा। इस तरीके से इसको यूज कर दिया, देखिए आवाज आई। अब आप चाहें तो चार्जर लगाकर चेक कर सकते हैं। ये हमने बैटरी लगाई, बैटरी लगाया हमने चार्जर। चार्जर लगाने पर क्या रिस्पॉन्स देगा, यहाँ पर बत्ती जलनी चाहिए थी। बैटरी अगर बिल्कुल लो होगी तो भी कोई रिस्पांस नहीं देगा, तो बैटरी पहले चेक कर लीजिए आप, उसके बाद चेक। बैटरी पे देखिए कि कार्बन सा लग रहा है, तो बैटरी पे हल्का सा आप साफ कर सकते हैं, और इसको इस तरीके साफ करके दोबारा आप लगा दीजिए, लगा कर चेक कर लीजिए। जी हमने लगाया, ये बैटरी आ गई, और डिस्प्ले में भी कुछ आना चाहिए। ये देखिए डिस्प्ले में आ गया, अब बैटरी छपा हुआ आना चाहिए, बैटरी छपा हुआ आ गया। अब सेट को चालू करेंगे तो चार्जिंग भी शो करेगा। तो इसी तरीके से हम चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सोनी एरिक्सन के सर्वर में। जो ट्रैक उखड़ जाती है तो वो किस तरीके से हम रिपेयर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से करना होगा।